नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इस देश में कभी कभी किसी को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, कभी कोई डर के आगे जीत है ये जान करके कुछ बयान देता है और ये दिखाता है कि वो जीतेगा ही नहीं बल्कि डर को हरा करके उन लोगों को हराएगा जिससे वो डर रहा है। ये मनोवैज्ञानिक खेल इस देश में चल तो रहा है, लेकिन इसके मायने क्या है ये आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में डर का जिक्र करके बहुत लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, अपने आप को पूरे देश में एक लोकप्रिय व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने की कवायद करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उनके बयानों से बहुत लोग तारुफ रखते हैं, ये थोड़ी सी चिंता की बात है। और ऐसे ही बयानवीरों के कारण इस देश में कभी कभी उन मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ती है जो वास्तव में चर्चा के लायक नहीं होते, लेकिन चर्चा करना चाहिए, क्योंकि अनर्गल प्रलाप अगर ज्यादा चलता रहे तो वो सच साबित हो जाता है। जी हां, हम उन्हीं बयानवीरों में एक बयानवीर नसीरुद्दीन शाह के एक बयान को लेकर के हम चर्चा करेंगे। नसीरुद्दीन शाह ने जो बयान दिया है वो हमें आपको बताते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस देश में गृह युद्ध की आशंका दिख रही है, मुझे पाकिस्तान भेजने वालों तुम कैलाश जाओ, ये नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं। चर्च मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़ा जाए तो कैसा लगेगा, ये भी नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं। देश में मुस्लिमों को डराने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, यह भी नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं। मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान करना ठीक नहीं, यह भी नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं। ये जितनी बातें हैं, बड़ा सवाल है कि नसीर भाई ये बताएं कि कौन कहता है कि मुसलमानों का कत्ल कर दो, और कहां कितने चर्च और मस्जिद तोड़े गए पिछले 7 सालों में, जिन 7 सालों का जिक्र उन्होंने किया है। अनर्गल प्रलाप इसी को कहते हैं। लेकिन नसीर के बयान से इस देश में बहुत लोग सहमत हैं, वो बोले भले नहीं लेकिन सहमत हैं। इसलिए आप बयानवीर न कहें, आप ये कहें कि वो बहुत जेन्युइन बात करते हैं, और चाहे किसी भी तबके में वो लोग हों, तुष्टिकरण की राजनीति का वो मूल है जो इस देश में 7 दशक से अधिक हुआ, और शायद वो वर्ग इसी का शिकार है। इसलिए आज डर दिखाया जा रहा है, भय दिखाया जा रहा है, और 7 साल पहले न कोई डर था न कोई भय था। आज हर उन मुद्दों पर चर्चा होती है जिन मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन डर और भय दिखाया जा रहा है, और उस आईने को लेकर के सबसे आगे खड़े होते हैं नसीरुद्दीन शाह। क्यों बयान उन्होंने दिया, कैलाश जाने का आह्वान और कैलाश जाने का एक तरह से निर्देश और एक तरह से सुझाव उन्होंने किसको दिया है, यह भी बड़ा सवाल है। और शायद तब अगर यह कहा जाए कि नसीर को किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, तब वो एक विश्लेषक बन जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को इंटेलेक्चुअल साबित करने की कोशिश करते हैं, और वो दिखाते हैं कि वो तो एक कलाकार है। वो कलाकार हैं, राजनेता हैं, मुसलमानों के रहनुमा हैं, वो क्या हैं ये भी नहीं बताते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि मस्जिद तोड़े जा रहे हैं। सवाल ये है कि किसकी भाषा वो बोलते हैं समय समय पर, आज तक किसी ने इस बात पर चर्चा नहीं की। और क्या इसके लिए भी कोई फंडिंग होती है, इस पर अगर कोई चर्चा कर दे तो शायद ये कहा जाएगा ये तो वो ताकते हैं जो गोदी मीडिया के पार्ट हैं। सवाल ये है कि नसीर ने ये अनर्गल प्रलाप क्यों किया, इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मेहताब उस्मानी, आपका बहुत बहुत स्वागत, जुड़ रहे हैं आप, और शिवम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो हिंदू युवा वाहिनी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मेहताब उस्मानी, अब नसीरुद्दीन शाह को डर नहीं लग रहा, वो अब कैलाश जाने की बात कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो शायद
उनको डराते हैं या जिनके कारण वो पिछले 7 सालों से डर रहे हैं, क्या है इसके मायने? सर देखिए, नसरुद्दीन शाह ने जो बयान दिया है ना, वो आज मैं उसका समर्थन करूंगा। पूछे क्यों क्यों समर्थन करूंगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के दिनों में आपने देखा है कि कोई भी हिंदुवादी संगठन के लोग मंच पर करते हैं और कहते हैं कि मैं 20 लाख मुसलमानों का कत्ल कर दूंगा और मैं 20 लाख मुसलमानों को मार दूंगा। शिवम शिवम मिश्रा जी, पहले मेहताब को अपनी बात पूरी करने दीजिए। सुन लीजिए अभी हाल फिलहाल की बता रहा हूँ, धर्म संसद के नाम पे जो वो हुआ था उसमें एक साधु ने स्टेज पे चढ़ के कहा कि कम से कम 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करो तब हमें सुकून मिलेगा। ठीक है जी, चुप रहा सारा समाज। एक किसी टीवी चैनल के पत्रकार कहते शपथ दिलाते कि मारो और मरो, मारो मतलब वो किसको मारने की बात कर रहे हैं, कत्ल की बात कर रहे हैं। चलो जी, उसके लिए भी चुप रहे सब लोग। एक एक महात्मा गांधी को उल्टी सीधी गालियां देता है बाबा, उल्टी सीधी बातें बोलता है, उस पर भी लोग चुप रहे, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं। अब नसरुद्दीन शाह ने अगर ये कह दिया कि भाई देश में तुम 20 करोड़ मुसलमान को कैसे कत्ल कर दोगे, तो क्या गलत कहा भाई? कैसे कर दोगे आप लोग, इतना बड़ा नरसंहार कैसे कर दोगे? हाँ, क्या आप कर सकते हो, हाल फिलहाल में बहुत कम है आप लोगों ने, लेकिन इतना बड़ा नरसंहार करने के लिए भी तो लोग चाहिए ना आपको, तो या तो आप उनको इकट्ठा कीजिए। और दूसरी बात, एक बयान उन्होंने ये दिया कि मस्जिद और मंदिर चर्च वगैरह तोड़े जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल गुड़गांव की देखी, तिलक लगाया, जहाँ नमाज पढ़ा वही गोवर्धन पूजा करने बैठ गए। भाई ये प्रशासन की अनुमति से कर रहे हो आप, क्या अपनी गुट्टागर्दी दिखा रहे हो? क्या मस्जिद तोड़ा गया? सुन लीजिए, जहाँ नमाज पढ़ते है ना। शिवम जी अभी आप चुप रहे प्लीज। हाँ हाँ बताए जी, सुन लीजिए गुड़गांव में कितना तांडव मचाया इन लोगों ने। अरे भाई, आपको कोई आपत्ति थी तो आप सरकार से बोलते, पुलिस प्रशासन से बोलते, आपको ड्रामा करने की क्या जरूरत है? हाल फिलहाल में जो ये घटनाएं चल रही है ना, जहाँ भी जाते हैं सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट। भाई आप मुझे ये बताइए कि हमारा राजनीति में इस्तेमाल होगा, ये राजनीति है तो मैं ये राजनीति कहूंगा। आप हमारा राजनीति, अगर आपको लड़ना है तो आपस में लड़ो ना, हमारा हमें टारगेट लेके क्यों आप राजनीति करना चाहते हैं? तो इस तरीके के बयान और इस तरीके की जो भाषा, इस तरीके के जो ये धर्म संसद नाम दिया जा रहा है, जब ऐसे हो रहा है। अरे एक तो भूल ही गया मैं, एक तो कहता है कि मैं दुनिया से इस्लाम खत्म कर दूंगा, एक बाबा कहता है, एक कहता है कि मैं पूरी दुनिया से इस्लाम खत्म कर दूंगा। तो भाई इनके बयान पे अगर कोई पलटवार ना करे तो क्या है? अगर उन्होंने कहा, इनका जवाब दिया तो क्या गलत किया? अच्छा, क्या गलत कर दिया? आपने चार उदाहरण से आपने मैं एक बार आपका मान भी लूं, चार उदाहरण दिया और इन्हीं चार उदाहरणों के माध्यम से आप कह रहे हैं कि मैं नसीर की बात से सहमत हूं कि इस देश के मुसलमानों के सामने बड़ी चिंता है। उन्होंने चार उदाहरण दिए, एक बार शिवम जी एक बार बोलना, उन्होंने चार उदाहरण दिए, मैंने चार उदाहरण दिए, नसीरुद्दीन शाह ने तो एक बयान दिया जिसको आप इतने, आपके 400 बयान दिखा सकता हूँ आपके हिंदुवादी नेताओं के जो मतलब आपकी बात करते हैं। अच्छा, इस्लाम को खत्म करने की बात करते हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। आप एक बयान के लिए जिसके बोलते हो, उन्होंने क्या गलत कहा भाई? ठीक, उन्होंने सही कहा या गलत कहा, अभी सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन शिवम आप कुछ कहना चाहते? हाँ हाँ बिल्कुल, सुनिए पहले। हाँ, हैदराबाद में बैठा एक कुत्ता ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे कौन कितने हैं। दूसरी बात आपको बता देता हूँ, जब यही बात भी आप कहते हैं कि भाई हमने मस्जिदों को तोड़ा, हमने मस्जिदों को तोड़ा है या चर्चों को तोड़ा है, भारत के इतिहास को आप उठा करके देख लीजिए, अगर हमको काटना ही होता तो आज भारत में इस्लाम का नामो निशान नहीं होता। और काटने मरने की आप बात कर रहे हैं, जाके देख लीजिए पाकिस्तान में कितनी हिंदुओं की जनसंख्या है, मुझे जरूरत है वहां जाके देख लीजिए। और दूसरी बात आपको बता दूं कि एक बात आपको बताता हूँ, जिसने कहा भी एक संत, आपने कहा कि एक संत कह रहे थे इस्लाम का नामो निशान मिटा दूंगा, तो प्रकृति का एक सबसे बड़ा सनातन सत्य है जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश होगा। आप इस्लाम का जन्म हुआ है इसलिए आप करोगे विनाश, निर्माण हुआ आप करोगे विनाश,
आप विनाश करोगे, आप बोलोगे विनाश कर। वो बाबा क्यों बोलता है बार बार, वो बाबा क्यों बोलता है बार बार, वो बाबा बार बार क्यों बोलता है? दूसरी बात आपको बताऊं, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आपकी पहचान हिंदू है, ठीक है, और बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, और प्रेम से बनना पड़ेगा, आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा, कोई किसी का विरोधी नहीं है। इनकी बात सुनना दिवाकर जी, क्या कह रहे हैं, बनना पड़ेगा? पूरी बात सुनिएगा, प्रकृति और इस सृष्टि का एक मूल धर्म है सनातन, और वही सनातन धर्म इस पूरे सृष्टि पर लागू होगा। शिवम, एक सवाल का जवाब दीजिए, मेहताब अभी आप चुप रहिएगा। शिवम पूछिए जी, आप कौन होते हैं कि किसी को ये कहने वाले कि आपको ऐसा करना पड़ेगा? नहीं, करना प्रकृति खुद ही कराएगी इस चीज को। प्रकृति कराएगी ना, वो प्रकृति उन्हें सूचित कर देगी। ध्यान से सुनिएगा, आप कौन होते हैं ये कहने वाले, क्योंकि आपने सनातन का जिक्र कर दिया, मैं भी एक सनातन धर्मी हूं और मुझे फक्र है कि मैं सनातन धर्मी हूं, और मुझे फक्र है कि मैं हिंदू मान्यताओं को मानता हूं। इस देश ने हमें वो संस्कृति जीने के लिए सनातन परंपरा से हमें मिला हुआ है, इस पर हमें गुमान है, गर्व है, लेकिन मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि आपको ऐसा करना पड़ेगा? फिर आप और उन तालिबानी सोच वालों का जिनको हम सरेआम कोसते हैं, जो मानवता के सबसे बड़े दुश्मन हैं, उन्हें खत्म किया जाना चाहिए, उनकी बराबरी आप करते हैं, ये कौन सी भाषा हुई? आपको एक बात आपको बताता हूं, आप झूठे और मुकुट को एक साथ करने की बात कर रहे हैं। आप बताइए मुझे, सनातन हिंदू धर्म के चार वेद, शास्त्र, 18 पुराण, अरण्य, उपनिषद, किसी में अगर किसी धर्म विशेष की बात कही गई हो या हिंदू की बात कही गई हो, वहाँ पर सनातन की बात कही गई है। और आप इनके पुराण को उठा करके देख लीजिए, इनके पुराण के प्रत्येक आयातों में इस्लाम काफिर। अरे भाई साहब, ये बताइए आपकी, जो खुद ही एक वर्ग विशेष को लेकर के चलता हो और एक धर्म पूरे विश्व को लेकर के चलता हो, बना कौन हुआ? धर्म, सुन लीजिए, अभी मेहताब उस्मानी मुझे सवाल करने दीजिए, क्योंकि आपके सवाल में वो जवाब नहीं दे पाएंगे, मानिए। मेहताब उस्मानी अपना सवाल करें, उससे पहले शिवो मैं आपसे सवाल करूंगा। वसुधैव कुटुंबकम सनातन की सोच है, और यहीं के संत परंपरा से, यहीं के महात्माओं से अपने आत्मज्ञान का प्रसार इस भारत ने पूरी दुनिया पर किया है, और आज भी एशिया के कम से कम 10 से 15 देश में हमारे ही सनातन सोच की एक झलक दिखती है। हमें इस पर गुमान है, हमें इस पर गर्व है, लेकिन हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि आपको ऐसा करना पड़ेगा? फिर मैं यही कह रहा हूं, ये तो वही कट्टर इस्लामिक सोच हो गई जिसका हम विरोध करते हैं। कट्टरता की बात नहीं करते हम, जो प्राकृतिक है हम उसको मानते हैं, हम सनातन को मानते हैं, सनातन की विचारधारा है, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम जी। और वसुधैव कुटुंबकम की बात तब आती है जब मानवता की बात होती है, परंतु जब सामने राक्षस खड़े हो तो उनका संहार करना परमावश्यक है। ये प्रकृति करेगी ना, करना जरूरी भी है, ये प्रकृति और समय करेगा ना। सुन लीजिए, नहीं, आप सवाल सुनिए पहले, ये प्रकृति और समय करेगा ना, तो फिर आप कौन होते हैं, हम कौन होते हैं? अरे करने दीजिए ना उनको अपने, सुन लीजिए, इस गलत फहमी में रहने दीजिए कि तलवार के दम पे वो सबका धर्म बदल देंगे, रहने दीजिए। प्रकृति के एक अंग हम भी है, इसलिए प्रकृति जो हमसे करवाएगी उसको कर लेंगे। और दूसरी बात, नहीं आप नहीं कर सकते, आप कौन होते हैं ये करने वाले, आप कौन होते हैं करने वाले? आप सनातन के अंग हैं, तो सनातन परंपरा में आप कहीं डेविएट करेंगे तो हम आपको रोकेंगे। प्रकृति और पुरुषार्थ जो करवाए, और अब मेहताब उस्मानी आप बताइए, आप कहां गए थे? रुक जाइए, अब आप रुकिए शिवम, मेहताब उस्मानी आप ये बताइए, तलवार की ताकत पर धर्म को आगे बढ़ाने वाले, कश्मीर में 11 लाख से अधिक हिंदुओं को बाहर करने वाले, इस्लाम के नाम पर यह बात करें कि हम शांति का पैगाम देते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को?
देखिए ऐसा है, अभी आप इन्होंने सनातन की बात कर रहे थे, चलिए मैं आज की बात बड़ी कर देता हूँ। सनातन धर्म को ये कहते हैं कि बड़ा शांति का और उसका धर्म है, ठीक है, मान लिया मैंने। मान लिया क्या, मानना पड़ेगा आपको। सुन लीजिए, जब आप हाथ में तलवार लेके ये कहेंगे कि ना तू सनातनी बन वरना तेरा कत्ल कर दूंगा मैं, तो फिर आप में तालिबानियों में क्या अंतर रह जाएगा? आपने पूरी बात की, मैं नहीं बोला। अब एक ही देश में आप 50 भगवान की पूजा कर सकते हो, तो उसी देश में एक आदमी नमाज नहीं पढ़ सकता क्या? उसी देश में एक आदमी मस्जिद नहीं जा सकता? जा क्यों नहीं सकता, जा रहे हैं, जा क्यों नहीं सकता, जा रहे हैं। क्या बात करते हैं आप मेहताब? क्यों कही जाती है फिर ये बात, क्यों कही जाती है? हम आपको बताते हैं, लोगों का कत्ल करो, हम आपको बताते हैं मेहताब उस्मानी, क्योंकि ये विज्ञान का सिद्धांत है। विज्ञान का सिद्धांत है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। नहीं, क्रिया जब करेंगे जब तो प्रतिक्रिया होगी। क्यों सामने वाले क्रिया ही नहीं कर रहा? क्यों बताइए, स्टेज पे चढ़ के अब तक का रिकॉर्ड है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ इस बात का कि किसी मुसलमान ने ये कहा हो कि तुम 20 लाख हिंदुओं का कत्ल कर दो, सुकून मिलेगा। उदाहरण दूं हिंदुस्तान में, हाँ हिंदुस्तान में उदाहरण दूं। जी दीजिए, कश्मीर में, सुनिए शिवम, अब तर्कों से बात करिए, अभी रुक जाइए। कश्मीर में जब हिंदुओं का पलायन हुआ तो उसकी शुरुआत मस्जिदों से माइक के जरिए क्या कहा जा रहा था और कैसे हिंदू लड़कियों को डराया धमकाया और क्या क्या किया जा रहा था, मैं ऑन स्क्रीन नहीं बोल सकता। और 1 से 2 महीने के अंदर कश्मीर और कश्मीरियत का आधा अंग काट दिया गया, सब कुछ इस्लाम के नाम पर किया गया था, इसी भारत में किया गया था। कैसे हुआ वो? सर, एक मिनट, मैं अभी बता दूं उदाहरण आपको। जब गुजरात में प्रेग्नेंट औरतों के पेट चीर के बच्चे मारे जा रहे थे, नरसंहार होता, एमपी के घर में आग लगा दी गई थी, पूरे जिंदा जला दिए गए थे, तब कौन नरसंहार कर रहा? उसकी जांच हुई कि नहीं? गुजरात में कुछ नहीं हुआ जांच में, कैसे? अब आप माने ना, वही तो, आपके हिसाब से कोई चीज ना हो तो व्यवस्था गलत। कश्मीर में तो सही हुआ, 370 हटी नहीं हटी, 370 के पहले सब कुछ हुआ, 370 के पहले हुआ, अब हटी तब जाके स्थिति ठीक होनी शुरू हुई। 70 साल की समस्या इतने जल्दी थोड़ी खत्म हो जाएगी। गुजरात में तो दोषियों को सजा नहीं मिली अब तक, बताइए किसको सजा मिली है, किसको फांसी हुई है, किसको? यही तो मैं कह रहा हूँ, जिस गुजरात दंगे की आप चर्चा करते हैं, इस देश में इतने बड़े बड़े दंगे हुए और भीड़ एक तमस की स्थिति में जब सब कुछ करता है, उसमें न्याय की स्थिति को इस तरह से सुनिश्चित कर जाना और उसी को बार बार मुद्दे बनाया जाना, कुछ भी इतिहास की घटनाएं होती हैं जो कलंक की तरह होती हैं। अब सुन लीजिए, आपकी बात पहले पूरी हो जाए मेहताब उस्मानी। मैंने सियोम को सियोम की गलत बात पर रोका, तो आपकी गलत बात पर रोकना मेरा फर्ज है। बिल्कुल, तो दो दो उदाहरण, एक एक उदाहरण और 2-3 बाबाओं के कुछ बयानों पर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया। इस देश में 30 करोड़ मुसलमान हैं, किसे मस्जिद जाने से रोका जाता है, किसे चर्च जाने से रोका जाता है कि वो अपना प्रे न कर सके? नसीरुद्दीन शाह जो है वो पूरे देश की धर्म निरपेक्षता के एकमात्र अलंबरदार बनते हैं। धर्म निरपेक्षता की आज हमने अयोध्या राम जन्मभूमि दे दी इनको, मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि लेकर के गए, काशी विश्वनाथ लेकर के गए, और भारत के असंख्य ऐसे मंदिरों पर इन लोगों ने अवैध कब्जा किया, और बात करते हैं कि हम इनको काट रहे हैं। कब की बात कर रहे हो आप? क्या अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं आए? क्या उन्होंने लूटपाट नहीं करी? क्या उन्होंने कत्लेआम नहीं करा? उनका तो तुम गुणगान करते हो। तो अभी चर्चा तो हमारी आपकी हो रही है ना, सनातन या चर्चा हमारी आपकी नहीं हो रही ना, आप पिछले रिकॉर्ड गिनाते हो, चर्चा कर रही है। आप 200 साल पुराना रिकॉर्ड गिनाते हो, तो 200 साल पहले में अंग्रेज भी आए थे हिंदुस्तान में, वो ही गिनाइए आप। अभी अगर अंग्रेज 4 महीने, अरे सर आप यहाँ एक बात सुनिए शिवम जी, 4 महीने पहले
बांग्लादेश में एक एक इस्कॉन मंदिर में 8 लोगों के जमात की पूरी भीड़ इकट्ठी होकर के जाती है और वहां कर साधु संतों को काट करके वहीं पर रख देती है, तब कहां गई थी आपकी मानवता? सही बात, सही बात, आपकी मानवता तब पश्चिम बंगाल के मालदा में? सही बात, बिल्कुल सही बात। 150 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हुई, कहां गई आपकी मानवता? बिल्कुल सही बात। मेहताब उस्मानी, मेहताब उस्मानी, सवाल सुनिए। अगर शिवम एक उदाहरण दे रहे हैं तो आप उसके दो उदाहरण देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि हाँ ये गलत हुआ, और यही यही सोच है। एक व्यक्ति ने हरिद्वार के धर्म संसद में कह दिया कि भाई गोलसे ने गांधी जी को गोली मारी, गोलसे ने गांधी जी को गोली मारी तो सही किया। अब बताओ आप क्या होते करने वालों का, जो कत्ल करने वालों का साथ देते हैं उसे एक ने तो भगवान बोला कि बोले ले तो अरे मैं भगवान है, गोलते जमीन में गाड़ दीजिए आप पर, आप भगवान की बात कीजिए। मानवता कहाँ है? हमने मानवता छोड़ी कहाँ है आपने? भाईचारे की बात जब करते ना आप, ये बोलते सुनिए, ये बोलते कि जो इस तरीके का बयान देगा उसको आजीवन कारावास होगा, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। एक बार आप अपने चचा सदरुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को भी समझा दीजिए। भाई आप ही अपने चचा, इसको राज्य मंत्री है आपके, दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनसे बोलिए कि देश के कतारों को गोली मारो, वो वाले बयान पे बोलिए ना कि गाली दे रहे हैं आपके चचा। वो आपको पूछेंगे अरे न्याय की कहां से बात करोगे आप यार? आपके 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 मैं अच्छा मेहताब उस्मानी, आप आपकी प्रतिक्रिया को मैं सहज समझ सकता हूं। शिवम, शिवम, इस देश में गृह युद्ध की आशंका है, ये चेतावनी समझें या सचमुच में एक डर है जो नसीरुद्दीन चाहते हैं कि इस देश में ना हो? एक बात आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं और वास्तविक संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत धर्म को पढ़ता हूं और धर्म को जीता हूं। एक एक सीधी बात है कि भाई जिसका निर्माण है उसका विनाश है, आप इस चीज को तो मानते हैं? मानता हूं। वो बिगड़ेगा, देखिए हमारे धर्म में ये कहा है जी, सुनिए मियां मेरी बात सुन लीजिए, जो बनाता है वही बिगड़ता है और वो खुदा है। इंसान कभी किसी को बिगाड़ता है बना नहीं सकता, बनाया बिगाड़ने का काम खुदा का है, किसी का नहीं है। ये सनातन है, सनातन का अर्थ होता है सार्वभौमिक, आकाश सनातन है, धरती सनातन है, जल सनातन है, इसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वही चीज मैं बताता हूँ, ये गृह युद्ध या कुछ, ये बाबर मुगल दुनिया भर के आताताई आए, हमारे भारत के अस्तित्व को नहीं मिटा पाए, अंग्रेज आए कुछ नहीं मिटा पाए, और ये 20 करोड़ नहीं 100 करोड़ हो जाए, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ किसी भी सनातन धर्मी का एक बाल नहीं बाका कर पाएंगे। ये कर कौन रहा भाई, कौन कर रहा है? गिरी गिरी कौन कर रहा है? कोई गिरी गिरी नहीं, तलवार लेके आप खड़े होते मंचों पे काटने मारने की आप बात करते हो और कहते हो कि हम तो खतरे में, अजीब सी बात है। अरे अच्छा ये बताइए मेहताब, मेहताब 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 भाई सुन तो लीजिए। शिवम 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 थोड़ा सा शिवम एक सवाल करने दीजिए। तुम तो उसको दिखाने की, मैं तो कहता हूँ मीडिया में लोग तलवारें और AK-47 दिखा के पूजा कर रहे हैं उनकी, क्या हथियार तो पूजा करेंगे तो बात कर, तो अरे आप तो वो नहीं रख सकते क्या? तुमसे परमिशन लेके रखेंगे, वो नहीं रख सकते क्या? अगर आप पूजा कर सकते हो हथियारों की, देखिए हथियार AK-47 माँ दुर्गा की पूजा करते हैं हम, और बिना AK-47 से करते हो क्या? AK-47 की पूजा करने के लिए, बिना AK-47 की पूजा करने के लिए कहा है? मोहम्मद पैगंबर साहब AK-47 लेके चलते थे क्या? हम तो पूजा नहीं करते, चलते थे क्या? हम तो AK-47 की पूजा नहीं करते, हम पूजा नहीं करते हथियारों की। भैया हम हथियारों की पूजा नहीं करते, इसको शांत कराइए पहले, हम हथियारों की पूजा नहीं करते। अच्छा हथियार हथियार रखना जायज है? आपको क्या समझाओ? गलत है, गलत है ना? हमें हमें कोई एक मुस्लिम विद्वान बता रहे थे कि हथियार रखना जो है वो जायज है। चलिए आपने मेहताब आपने क्लियर किया कि हथियार नहीं रखा जाना चाहिए। गलत बता रहे थे। हाँ और शायद मेहताब
जितना मैं शिवम आप थोड़ा सा चुप रहेंगे आप, शायद मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि हथियार तब उठाना चाहिए, जिहाद का यह मतलब है कि पहले अपने अंदर की गंदगी को दूर करो और जरूरत पड़े तो जिहाद के लिए हथियार उठाओ। मैंने शायद उन्हें बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सुन्नत का जिक्र किया। एक मिनट सुन लीजिए, पहले उन्होंने सुन्नत का जिक्र किया, हालांकि मैं जितना जानता था वो इस्लाम को जानने समझने वाले थे क्योंकि इस्लाम के वो फॉलोअर थे। मैंने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं है, हालांकि आपने क्लियर कर दिया कि हथियार रखना बिल्कुल गैर वाजिब है। लिखा गया है इनके कुरान शरीफ की, बोलोगे सुन लीजिए शिवम जी, अगर बोलोगे तो आयत पढ़ के सुनाओगे, पर आप कौन से बारे में है, कौन से पेज पे, वरना आप झूठ बोल रहे हैं बैठ के। मैं बोलूं कुरान में ये लिखा है, गीता में ये लिखा, मान लो बिना पढ़े यार, आप तो आपने कुरान का कहने का आप झूठ बोलते हो बैठ के। मेरी बात सुनिए, यहाँ ये चैनल पे चल रहा है, आपके कुरान में एक बहुत अच्छी बात लिखी आयत में, अफानस अलिल मुस्लिमी नकर मुजरमी, जो क्या मतलब है इसका, मुजरिम नहीं, जो मुस्लिम है वो मुजरिम नहीं और जो मुजरिम है वो मुस्लिम नहीं। बिल्कुल, 5 साल के एक बच्चे को जाकर के पूछिए आतंकवादी कौन होते हैं, वो धर्म बताएंगे, मजहब बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। 5 साल रुक जाइए, फिर उन्हीं बच्चों से पूछना कि आतंकवादी कौन है, अगर आपको न बताए ना तो थूक देना मेरे मुंह पे। अगर आपको जो बना रहे ना हिंदुओं के लिए, जो हिंदुओं के लिए हालात आप बना रहे हो ना, तलवारें लेके बंदूक के लेके, इंशाल्लाह अगले 5 साल में आपको लोग आतंकवादी ही कहेंगे, टेंशन ना लो। अरे आतंकवादी ही करेंगे लोग हमारे, बिल्कुल कहेंगे। आप तलवारों की बात कर रहे हैं, अपने बच्चों को आप कहते हो कि तलवार लेके घूमो, बच्चों को शिक्षा की तरह आप कहते हो कत्लेआम करो। मियां मेरी बात सुनिए, तलवार सुन ली मैंने आपकी बात, हम बंदूक ले जाते हैं, मेरी बात सुनिए। आपने जो आयत पढ़ी, पहले सुन लीजिए शिवम जी, आपने जो आयत पढ़ी उसका मतलब मैं बता दे देता हूँ, मैं बता देता हूँ। ये लिखा है जो मुसलमान है वो मुजरिम नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है, और जो मुजरिम है वो मुसलमान हो सकता। हमारे धर्म में जो गुनाह करेगा वो साला मुसलमान है ही नहीं, जो गुनाह करेगा वो मुसलमान नहीं है। तो भारत में अजमल कितनी बड़ी बात बोलती है, नहीं निकलनी चाहिए उस आयत में कितनी बड़ी बात बोलती कि वो मुसलमान नहीं है जो जुर्म करेगा। आप बोलिए किस गीता के किस उपदेश में लिखा है कि हाँ जी आप कत्ल करोगे और आप सनातन करोगे। तो सारे आतंकवादी मुसलमान नहीं क्यों निकलते हैं? अरे तो हमने क्या कहा, कुरान ने तो उनको खत्म कर दिया, कुरान ने उनको मना कर दिया कि वो मुसलमान नहीं है। कुरान ने उनको मना कर दिया वो मुसलमान नहीं है। अब आपकी बात ऊपर कर रहा, कुरान ने उसको मना कर दिया। देखिए आप, मैं नाम देता हूँ, आप कुरान को झूठा बोलते थे, आप कुरान को झूठा बोलते थे, कुरान ने खुद साबित कर दिया कि मुसलमान नहीं जो मुजरिम है। अरे तो मुजरिम वो मुसलमान है नहीं। अरे तो आप मुझे दिखाइए गीता में कहाँ लिखा है, जवाब दीजिए आप मुझको, गीता पुराण में कहाँ लिखा है मुसलमान होते, इसका जवाब दीजिए। कोई नहीं होता, ये आपकी अफवाह है फैलाई हुई हिंदुस्तान में, ये मुसलमान बता दो आतंकवादी। मैं अजमल कसाब कहाँ का था, कहाँ का था वो इस चैनल पे सबके सामने आप कहिए कि आज के बाद जो भी मुसलमान होगा आतंकवादी होगा उसको आप कहेंगे दफनाएंगे, इसको झूठे से मार के। मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ, हिंदुस्तान की वो बात। अरे यार आप सुनने को तैयार हैं, अपने मौलानाओं से फतवा जारी करवाइए कि जो भी ऐसा इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति यदि वह आतंकवादी सिद्ध होता है तो उसको दफनाया नहीं जाएगा, इस्लामी परंपराओं के अनुसार उसको चौराहे पे 2 लीटर पेट्रोल डाल के फूंक दिया जाएगा। चलो बोलो, बोलेंगे मैं बोल दूंगा लेकिन आपको भी बोलना पड़ेगा। जो सनातनी हिंदू मुसलमानों को कत्लेआम किया, मार काट की बात करेगा, उसको जिंदा वहीं पे जला दिया जाएगा स्टेज पे। बोलोगे किसने कत्लेआम कर दिया, मैं बोलता हूँ, लेकिन आप भी जिंदा जलाया जाएगा। हिंदुत्ववादी सोच वाले को जिंदा जलाओगे आप, जो मार काट की बात करेगा, जो उनको बांटने की बात करेगा, जो देश को बांटने की बात करेगा, उसको जिंदा जलाओगे? हाँ या ना बोलो, हम बोलते हैं। आपको एक बात बता दूं, आपको आप मुझे अगर वास्तविक पहचान आपको देखना है तो आपको इतना तकलीफ क्यों है आपको बोलने? अरे मैं बोलने को तैयार हूँ, आपको तकलीफ क्यों है? अब आप दोनों ने खूब चर्चा कर ली, हमने पूरा मौका दिया, मुद्दे पर आइए। फिर मुद्दा यह है कि कैलाश कहां जाना चाहिए, किसको जाना चाहिए, कैलाश कौन जाता है? शायद नसीरुद्दीन शाह को यह पता है, किसे भेजना चाहते हैं?
जिनके दिमाग में गल भर गई है ना हिंदू मुस्लिम की और मार काट की, उनको कैलाश भेज दो, थोड़ा शांति। सुन तो लीजिए मेहताब, शिवम शिवम मुझे सवाल करने दीजिए, शिवम प्लीज शिवम, कैलाश जाकर के आदमी को क्या मिलता है आप पता है आपको? शांति। शांति। और कैलाश जाकर के शांति मिले इसके लिए क्या करना पड़ता है ये भी पता है? इसको दिमाग को ठंडा करके कैलाश की तरफ प्रस्थान करें, आराम से नहीं पूजा पाठ करें, नहीं दिमाग की गंदगी निकाल दें, नहीं लोगों को खत्म करने से। मेहताब मेहताब आप तमाम टीवी चैनल्स के डिबेट पर बैठते हैं, बड़े चैनलों पर, और हमारे साथ जुड़ रहे आप मित्र भी हैं। मैं आपको बताता हूं, कैलाश जाकर के साधना करनी पड़ती है, और साधना का वो पात्र जो कैलाश तक चला जाए उसका जीवन धन्य माना जाता है। शायद नसीरुद्दीन शाह को ये पता ही नहीं है, इसलिए उन्होंने जाने अनजाने में सनातन धर्म की इस महानता का गुणगान कर दिया है। आपको पता है? देखिए मैं खुद गुणगान कर रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ इस बात को कि आप उनको भेजो भाई, जो इनके दिमाग में ये गलत फहमी ये नफरत भर गई है उनको क्या भेज दीजिए, सुकून मिलेगा। और सुनिए और सुनिए, जबरन नहीं भेजा जाता, कैलाश में शिवधाम है, वहां भोलेनाथ बुलाते हैं तब व्यक्ति जाता है। नसीरुद्दीन शाह कौन होते हैं कहने वाले? हम आपसे कहते हैं आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनसे कहिए कि ऐसे सोच वालों को वो जल्दी से जल्दी कैलाश को बुला। हम तो यही कहेंगे कि जो यहाँ नफरत की आग बोए रहे उनके अंदर मानवता का विकास हो, और उनकी सोच बदले, अपने सीमित दायरे में रह करके दूसरे धर्म को नीचा न समझें, चाहे कोई हो, हम तो भोलेनाथ से यही आराधना करेंगे। देखिए मैं कुछ कह सकता हूँ अभी शिवम, इसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा ना, आप कैसे अभी कह लेंगे, अभी इनको जवाब देने दीजिए। हाँ बोलिए मेहताब। देखिए मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यही मेरी वो है कि जो इस तरीके का, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, हिंदू धर्म का, किसी भी धर्म का हो, अगर कोई जहरीले बयान देता है, हेट स्पीच देता है, मार काटने की बात करता है, उसपे तुरंत कार्रवाई करें, धर्म ना देखे उसमें। अगर ये काम करते हैं आप तो कहता हूँ अगले एक साल के अंदर अंदर कहीं आपको कोई दंगा हो तो, दंगा इस देश में हो भी नहीं रहा है, दंगा मुक्त है अभी देश, इस पर आप बयानबाजी मत करिए। शिवम अब आप बोलिए, मेरी बात तो सुनिए। शिवम अब आप बोलिए। देखिए नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा है कि भाई जो भी ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको कैलाश मानसरोवर चले जाना चाहिए, तो उनके बात को मैं स्वीकार करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे मुसलमान भगवान सभी को बनाए, क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा हमारे लिए मोक्ष की प्राप्ति के बराबर। सही बात। और सबका सौभाग्य होना चाहिए प्राप्त की ऐसे लोग, बस शुभकामनाएं दे कि हम लोग आराम से पहुंचे। अब दूसरी बात आपको बताऊं कि जब कोई जानवर होता है ना पागल हो जाए तो उसको मार देना चाहिए, नहीं तो वो समाज को तकलीफ देता है। और मूर्खों की जो बातें होती है ना उन पर यदि हम इस तरह से, अच्छे लोग भाई साहब बैठे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे ज्ञानी हैं, मैं इनकी बातों का भी सम्मान करता हूँ, इनका भी सम्मान करता हूँ, तो जो भी ऐसे लोग मूर्ख लोग अपने जो भी बात बोल दे और उस पर हम लोग अगर चर्चा करें तो ये मूर्खता है, इनको दंड देना चाहिए। ये ऐसी कहीं से भी आकर के कोई नशा करके और कुछ भी बोल दे इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि परिस्थितियां बन जाएंगी। एक बार हमारे मियाँ आमिर खान जी ने भी कुछ अच्छा ही कहा था कि हम देश छोड़ देंगे, तो छोड़े क्यों नहीं। और नसीरुद्दीन शाह जी बहुत अच्छा बोले हम तो मानसरोवर चले जाएंगे, पर मुझे लगता है कि इनको पाकिस्तान या अफगानिस्तान ज्यादा प्रिय है, अगर ये जाना चाहते हैं तो इनको टिकट भाड़ा और चाहिए दो चार साल रहने के लिए व्यवस्था भी करवा देते हैं। खैर शिवम अपने आप पता चल जाएगा भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अंतर कितना है। शिवम यहाँ से न कोई अफगानिस्तान जाएगा न पाकिस्तान जाएगा, क्योंकि दोनों जगह यहाँ की बुराई करके वहां जाने वालों की इज्जत नहीं मिलती, ये सबको पता है, नसीरुद्दीन शाह को भी पता है, ये बात आप भी जान लीजिए। पाकिस्तान मामलों पर लगभग कम से कम 3000 शोज मैं कर चुका हूं और जानता हूं गली गली के बारे में, तो नसीरुद्दीन साहब पाकिस्तान जाएं, वीजा मिल जाए, 4-5 दिन इज्जत होगी, उसके बाद कहे जाएंगे मुहाजिर ही, याद रखिए। मेहताब आप सुन लीजिए, और आप तो हमारे साथ बराबर जुड़ते रहे हैं, ध्यान से सुनिए, भारत में रहते हैं तो भारत के मुसलमान की ताकत आप में है कि आप बोलते हैं इतना
क्योंकि यहाँ के लोकतंत्र की यही खासियत है। उस खासियत में अगर हम सब इतने नमक और पानी डालेंगे और उसमें इतने जहर घोलेंगे तो जहराब होना स्वाभाविक है। मेहताब, हम सबको यह चाहिए कि गलत बयानी का पुरजोर विरोध करें और यह कोशिश करें कि इस देश में क्रिया और प्रतिक्रिया का खेल न हो। शायद शिवम, हमें समझना चाहिए कि हम सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्म की खासियत बताने के लिए स्वामी विवेकानंद ने 1885 में ही वो बात कर दी थी, माफ करिएगा, वो धर्म संसद में वो बात कर दी थी, मुझे माफ करिएगा, जब उन्होंने बताया था कि आधार हमारा सनातन है और अमेरिका के लोगों को संबोधित किया, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो हमारा क्या आधार है, हम कितने मजबूत होकर के एक धर्म के साथ खड़े हुए हैं और वो परंपरा जो 5000 साल से अधिक पुराना है, हमें किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम उस पर गर्व करते हैं और कहते हैं कि हां मैं हिंदू हूं, और अगर इसको कोई इस पर एतराज जताता है उसे बुरा लगता है, तो ये उसकी समस्या है। ये देश जाग चुका है, हमें गर्व है कि हम सनातन धर्मी हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी भी सार्वजनिक स्थल से, सार्वजनिक सभा में तलवार से काटने को या काटने की बात कहें या करें। यह क्रिया प्रतिक्रिया का खेल इस देश में नहीं होना चाहिए। आप दोनों हमारे इस डिबेट में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तलखियां कम कर हम सच की तरफ आगे बढ़ेंगे, और सच यह है कि हम मानवता के प्रति जिए। शायद सनातन की सोच तो यही है, वैसे जहां तक मैं जानता हूं मूल इस्लामिक सोच में भी भाईचारे की बात कही गई है। ये और बात है कि भाईचारा का पालन कितना किया जाता है। आज के डिबेट में ही इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विस्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं ठहरता।